नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सूबे के 30 ऐतिहासिक धरोहरों को आपदा से बचाने की होगी पहल। जाने कब आएगा बीपीएससी 68वीं पीटी का रिजल्ट। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बीबीसी पर रेड को लेकर कही ये बात। आईपीएस विकास वैभव के समर्थन में जगह जगह हो रहे धरने। दिल्ली टेस्ट देखने के लिए फैंस में जबरदस्त उत्साह। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरईसी ने 85 व्यक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव, डिप्टी एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के कुल मिलाकर 85 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 27 फरवरी 2023 तक है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट recpdcl.in पर कैरियर सेक्शन में एक्टिव किए गए लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज पर जाकर अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। जाने कब आएगा बीपीएससी 68वीं पीटी का रिजल्ट। 12 फरवरी को बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। ऐसे में अब अभ्यर्थियों को इंतजार है इसके रिजल्ट आने की। तो बता दें कि बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट 27 मार्च को जारी किया जा सकता है। वहीं आयोग के द्वारा वेबसाइट पर सूचना जारी कर अभ्यर्थियों को यह भी जानकारी दे दी गई है कि अगर किसी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि लग रही है तो वह 16 फरवरी तक ईमेल द्वारा bpscpat.bih@nic.in पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि अभ्यर्थी वैकल्पिक विषय के सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। इसके साथ ही इस विषय में 100 प्रश्न होंगे और समय 3 घंटे की जगह केवल 2 घंटे दिए जाएंगे। इसके अलावा इस विषय का अंक नहीं जुड़ेगा, यानी कि केवल क्वालिफाई करना जरूरी होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे स्वाति शर्मा के बारे में। स्वाति शर्मा एक भारतीय गायिका है। वह तनु वेट्समनु रिटर्न से अपने लोकप्रिय गीत बन्नो तेरा स्वैगर के लिए जानी जाती है, जो आनंद एल राय द्वारा निर्देशित फिल्म है। वह बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल किए गए संगीत के निर्माण के लिए भी उल्लेखनीय है। 2017 में वह पेरिस में स्थित एफिल टावर पर प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय गायिका बनी। उसने 2016 में कई संगीत पुरस्कार जीते, जिसमें GIMA अवार्ड, लायन गोल्ड अवार्ड और रेडियो मिर्ची डिस्क अवार्ड शामिल है। इसके अलावा इन्हें कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है, जिसमें जी सीने अवार्ड्स, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, सोनी गिल्ड अवार्ड्स, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स और बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स के नाम शामिल है। फिलहाल इन्होंने एल्बम रिकॉर्ड करना जारी रखा है और प्लेबैक का अधिक काम करती हैं। बिहार में सरकार ने मुखिया को दिया ये पावर। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी जिलों के मुखिया को एक पावर दी गई है, जिसके तहत अब मुखिया भी घोड़पड़ास और जंगली सुअरों को सूट करवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद इन जानवरों के शव को दफनाने की जिम्मेदारी भी मुखिया की ही होगी। हालांकि घोड़पड़ास और जंगली सुअरों को सूट करवाने के लिए सूटर की खोज मुखिया के द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि इसके लिए सरकार के द्वारा एक सूची जारी की गई है, जिसमें सूटरों के बारे में बाकायदा जानकारी दी गई है। मुखिया को इस सूची में से सूटर को बुलाना होगा। बता दें कि दोनों जानवर भ्रमणशील होते हैं और किसानों के द्वारा लगाए गए फसलों को अपना भोजन बनाते हैं, जिस कारण किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब सरकार के द्वारा किए गए इस बदलाव से वैसे किसानों को काफी राहत मिलेगी, जिनके फसल इन दोनों जानवरों के शिकार हो जाते थे। सीएम नीतीश ने मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क का बदला नाम। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर में स्थित सिटी पार्क का नाम बदलकर महान समाजवादी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जार्ज के नाम पर चार्ज स्मृति उद्यान कर दिया। दरअसल उन्होंने इस पार्क का नाम जिला जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता पंकज किशोर पप्पू के द्वारा मांग किए जाने के बाद किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां शेरपुर पंचायत सरकार भवन, जीविका दीदी के स्टॉल और आंगनबाड़ी केंद्र का भी जायजा लिया। आंगनबाड़ी सेंटर देखने के बाद नगर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया और फिर समाहरणालय में समीक्षा बैठक की। पंचायत परिसर में स्टॉल के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से बिहार में विकास की रफ्तार तेज हो रही है। यहां उन्होंने जीविका के स्टॉल पर जाकर नीरा और उससे बने खाद्य पदार्थ को भी देखा।
सूबे के 30 ऐतिहासिक धरोहरों को आपदा से बचाने की होगी पहल। सूबे के वैसे ऐतिहासिक धरोहर जो प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है, वैसे धरोहरों की पहचान कर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इन्हें बचाने की योजना बनाई जाएगी। बता दें कि इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के बीच समझौता हुआ है। मालूम हो कि इस समझौते के तहत 30 ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों को चिन्हित किया गया है, जिस पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम अध्ययन कर विभाग को इस माह के अंत तक रिपोर्ट सौंप देगी और फिर राज्य सरकार के स्तर पर इसे बचाने की योजना लागू कर दी जाएगी। बता दें कि जिन 30 ऐतिहासिक धरोहर को चिन्हित किया गया है, उसमें पटना का गोलघड़, बिग हुजमा मस्जिद, जैन मंदिर कमलदह, दोरुखी प्रतिमा, कुम्हरार, दाऊद खान का किला समेत कई धरोहर शामिल है। अपनी स्कूल के पूर्व कर्मी से रिश्वत लेते पकड़ाए प्राचार्य। इन दिनों रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार किए जाने की खबर प्रतिदिन सुनने को मिल रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के मोतिहारी जिले के पताही प्रखंड के श्री ब्रज बिहारी लाल निकेतन हाई स्कूल पट्टी बोकाने से सामने आया है, जहां एक प्राचार्य अपने स्कूल के पूर्व कर्मी से रिश्वत लेते पकड़ा गया है। दरअसल निगरानी विभाग के द्वारा श्री ब्रज बिहारी लाल निकेतन हाई स्कूल के प्राचार्य त्रिभुवन साह को अपने स्कूल के पूर्व कर्मी से 15,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम प्रधानाध्यापक को लेकर पटना पहुंची है, जहां फिलहाल प्रधानाध्यापक से पूछताछ की जा रही है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे चानकीगढ़ के बारे में। चानकीगढ़ भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले का एक गांव है, जिसे जानकीगढ़ भी कहा जाता है। यहां पर आपको एक बड़ा सा किला देखने के लिए मिलता है और किले के अवशेष देखने के लिए मिलते हैं, जो लगभग 90 फीट ऊंचा 14 इंच वर्ग ठोस ईंटों से बना हुआ है। पूर्व से पश्चिम तक का पूरा किला लगभग 250 फुट लंबा है, लेकिन इतना अनोखे आकार का है कि इसकी सटीक नकल को परिभाषित करना आसान नहीं है। हालांकि इसके आकार को मोटे तौर पर अंग्रेजी के एल के समान परिभाषित किया जा सकता है। यह किला प्राचीन समय में चाणक्य का किला था, वह विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। अब इस किले के भग्नावशेष देखने के लिए मिलते हैं। इस किले का संरक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा गार्डन देखने के लिए मिलता है। यह किला पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह किला पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज में स्थित है। आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं और इस किले को देख सकते हैं। यह पश्चिमी चंपारण का पिकनिक स्पॉट है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पटना आगमन को लेकर तेजस्वी यादव ने कही ये बात। बीते शनिवार की रात 8 बजे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से दिल्ली लौट आए थे। दरअसल लालू यादव सिंगापुर अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के सिलसिले में गए थे, लेकिन अब वे देश वापसी कर चुके हैं और दिल्ली में रहकर आराम कर रहे हैं। वही अब लालू यादव का आगमन पटना में कब होगा, जब इससे जुड़ा सवाल मीडिया के द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से किया गया, तो उन्होंने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो की तबीयत काफी अच्छी है, उनके स्वास्थ्य में भी बेहतर सुधार आया है और फिलहाल डॉक्टर के द्वारा दिए गए एडवाइस का पालन किया जा रहा है। उन्हें डॉक्टर ने सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि सर्जरी होने के बाद उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। यही वजह है कि वे सार्वजनिक रूप से लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। उनके पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद ही वे पटना लौट सकते हैं। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के मुआवजे पर निर्णय जल्द। राज्य सरकार के द्वारा सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को परिवहन विभाग की ओर से दी जाने वाली मुआवजे की राशि को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन विभाग के द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाते हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में बीमा कंपनी से प्राप्त की जाती है। इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2021 से की गई थी, हालांकि अभी इसे रोक दिया गया है। बता दें कि एक मामले में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परिवहन विभाग ने अपने पूर्व की अधिसूचना पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई है। इको पर्यटन पर बिहार में नई नीति लाएगी सरकार। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार की पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा नई नीति बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसे 2023-24 तक बना लिया जाएगा। बता दें कि प्रस्तावित नीति में क्या क्या हो, इसके लिए विभाग के द्वारा एक एजेंसी का चयन किया जाएगा और फिर उसकी सहायता से मास्टर प्लान बनाई जाएगी। मालूम हो कि चयनित एजेंसी को कंसल्टेंट के तौर पर बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि अगले वर्ष कुछ इलाकों में इको टूरिज्म पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में अभी इको टूरिज्म के तौर पर चुनिंदा स्थलों पर ही काम हुआ है। बिहार में तेज हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से तेज हवा की वजह से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसके बाद अगले 3 दिन के दौरान न्यूनतम पारे में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी के भी आसार है। यानी सूबे में 16 फरवरी के बाद मौसम फिर बदला बदला नजर आएगा। बता दें कि प्रदेश में हवाओं के चलते मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और फिलहाल राज्य में अभी बारिश के आसार नहीं है। हवा के चलते कुछ दिन सूबे में ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। वहीं मौसम विभाग का
कहना है कि इस साल बिहार में 5 महीने गर्मी पड़ने के आसार है। बिहार में मार्च से ही लू चलने के आसार है, वही फरवरी के अंत में पतझड़ शुरू होगा। आईपीएस विकास वैभव के समर्थन में जगह जगह हो रहे धरने। आईपीएस विकास वैभव और शोभा अहोतकर के बीच हुए विवाद को लेकर अब विकास वैभव के समर्थन में लेट्स इंस्पायर बिहार के जिला समन्वयक अनुज सिंह के नेतृत्व में बेतिया में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धरना दे रहे लोगों के द्वारा कहा गया है कि हम सभी विकास वैभव के साथ है, बिहारियों का अपमान बंद करो। बता दें कि इस दौरान लेट्स इंस्पायर बिहार के जिला समन्वयक अनुज सिंह के द्वारा कहा गया कि बिहारियों को गाली देना बंद करो और डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ बिहार सरकार कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि इस अपमान की सूचना जब आईजी विकास वैभव के द्वारा बिहार के गृह सचिव एवं मुख्य सचिव को 2 DIG के साथ सूचित किया गया था, तो फिर भी इस मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह सरासर बिहारियों का अपमान है। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना में भी सुप्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान के द्वारा भी सैकड़ों की संख्या में छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार में पहली बार खुल रहा ट्रांसजेंडर समुदाय का कैफे। गांधी मैदान स्थित मोना सिनेमा हॉल के पीछे ट्रांस बिहार कैफे की शुरुआत होने वाली है। बिहार में पहली बार इस तरह का कैफे खुलने जा रहा है। मैनेजर, अकाउंटेंट, सर्विस देने वाले, क्लीनर, सेफ और असिस्टेंट सभी लोग ट्रांसजेंडर समुदाय से ही होंगे और इस कैफे की यही सबसे खास बात होगी। अमेरिकन कौंसुलेट जनरल के द्वारा इसका उद्घाटन 31 मार्च को किया जाना है। दरअसल इस तरह के कैफे खोलने का मकसद यही है कि समुदाय के लोग भी आगे बढ़ सके, रोजगार प्राप्त कर सके। मिली जानकारी के अनुसार इस कैफे में ट्रांसजेंडर और ट्रांसमैन मिलकर समुदाय में कुल 20 लोग काम करेंगे। बता दें कि पटना नगर निगम की तरफ से गांधी मैदान स्थित मोना सिनेमा हॉल के पीछे उनके जीविकोपार्जन के लिए जमीन भी दिया गया है, जहां कैफे के लिए 2 मंजिल इमारत को तैयार किया जा रहा है। समुदाय द्वारा क्राउड फंडिंग की मदद से इस कैफे की शुरुआत की गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिले तेजस्वी। बीते दिन बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह जानकारी खुद तेजस्वी यादव के द्वारा अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करके दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने और केजरीवाल के बीच हुए बात से जुड़े कुछ अंश को भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति और देश को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। हम सबको मिलकर देश बचाना है। तेजस्वी यादव के द्वारा लिखी गई इस पंक्ति से यह साफ जाहिर होता है कि वो सभी विपक्षी पार्टियों को केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन को दी सीधी चुनौती। गुलाम रसूल बलियावी के द्वारा सेना को लेकर दिए गए बयान पर बिहार विधान परिषद में नेता सम्राट चौधरी ने महागठबंधन को अपने आरोप हाथों लिया। उन्होंने महागठबंधन को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर जनता दल यूनाइटेड में हिम्मत है तो वो सेना का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सारी पार्टियां तुष्टिकरण पर उतर गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुष्टिकरण से देश नहीं चलता। अगर नीतीश कुमार तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो वो सेना का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन नीतीश कुमार जी को नाटक करने से फुर्सत नहीं है। बिहार में समाधान यात्रा के नाम पर हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन से घूमने का काम कर रहे हैं और बिहार की जनता का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार पर बिहार के उद्योग मंत्री ने उठाए सवाल। केंद्र सरकार पर बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल यह आरोप औद्योगिक विकास के प्रति उदासीन रवैया अपनाने के लिए लगाया गया है। यहां एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, जिसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का उदासीन रवैया है। यहां 40 MP होने के बावजूद भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात नहीं रखी गई। वहीं हर जिले में उद्यमिता विकास को लेकर बिहार सरकार द्वारा योजना चलाया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। दरअसल मीडिया से रूबरू होते हुए समीर कुमार महासेठ ने मंगलवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के बाद अपनी बात रखी। बीबीसी पर हुई कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री पर भड़के ललन सिंह। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालय पर आयकर विभाग के द्वारा की गई छापेमारी के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा या लिखेगा उसका यही हश्र होगा। उन्होंने कहा कि जिसको भी बोलना या लिखना हो पहले इन्हें दिखाना होगा, वरना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। आखिर सरकारी तोतों को कितना और कब तक दुरुपयोग करेगी नरेंद्र मोदी की सरकार। दरअसल पिछले दिनों बीबीसी के द्वारा 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़े मामलों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया था। वहीं अब आयकर विभाग की टीम के द्वारा बीबीसी के दफ्तरों पर सर्वे किया गया, जिस कारण ललन सिंह के द्वारा नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सीधा सवाल पूछा गया।
गुलाम रसूल बलियावी के विवादास्पद बयान पर सीएम नीतीश ने कही बड़ी बात। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी के द्वारा सेना को लेकर दिए गए बयान पर जब बिहार के मुख्यमंत्री से उनके समाधान यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया तो वो इस सवाल का जवाब देने से पस्त दिखे। उन्होंने साफ कह दिया कि कौन क्या बोलता है, हम तो 4 तारीख से ही अपना ध्यान जनता के कार्यों पर लगाए हुए हैं, सबसे मिल रहे हैं और सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बता दें कि गुलाम रसूल बलियावी के द्वारा नवादा में एक कार्यक्रम में बोला गया था कि अगर तीनों सेना पाकिस्तान से निपटने में सक्षम नहीं है तो 30% मुसलमानों को भर्ती कर दे। उनके इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता लगातार हमलावर है और नीतीश कुमार से उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली टेस्ट देखने के लिए फैंस में जबरदस्त उत्साह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट शुक्रवार से दिल्ली में शुरू होगा। यह मुकाबला दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं इस मैच को लेकर डीडीसीए के संयुक्त सचिव रंजन मनचंदा ने मंगलवार को पीटीआई से बातचीत में कहा, दिल्ली टेस्ट के लिए सभी टिकट बिक चुके हैं और हमें उम्मीद है कि दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा। दिल्ली में लंबे समय बाद टेस्ट मैच खेला जा रहा है, फैंस में इसको लेकर काफी दिलचस्पी है। पता हो कि नागपुर में हुए पहले टेस्ट मैच में भी भारी संख्या में फैंस आए थे जिसने टेस्ट क्रिकेट का सम्मान बढ़ाया था। दूसरे टेस्ट मैच में भी इसी प्रकार की उम्मीद की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय टीम के द्वारा नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट को पारी के अंतर से जीतकर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं दूसरा टेस्ट मैच 17 फरवरी से 21 फरवरी तक खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत में 1967 में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा को 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंद महासागर के तटीय देशों के नौसेना प्रमुखों का 2008 में पहला सम्मेलन नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना प्रेरणा श्रीमाली को 2010 में 2009 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि नरेश मेहता का जन्म 1922 में हुआ। संस्कृत भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार राधा वल्लभ त्रिपाठी का जन्म 1949 में हुआ। 1948 में प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ। 15 फरवरी 2015 में अभिनेत्री मनोरमा का निधन हुआ। 15 फरवरी को उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वायलखंड में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक नोटिस में दावा किया जा रहा है कि एक फर्जी नियुक्ति पत्र में ये दावा किया जा रहा है कि उम्मीदवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिए ₹4,950 जमा करने होंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ऐसा कोई भी नियुक्ति पत्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी नहीं किया गया है। व्हाट्सएप पर अब नहीं होगी पिक्चर की क्वालिटी डाउन। मेटा के पॉपुलर ऐप व्हाट्सएप के द्वारा यूजर्स की सुविधा के लिए एक नया फीचर रोल आउट किया जा रहा है। बता दें कि आने वाले इस फीचर्स की मदद से व्हाट्सएप पर भेजी जाने वाली पिक्चर्स की क्वालिटी कम नहीं होगी। व्हाट्सएप की लेटेस्ट अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info की ओर से यह दावा किया गया है कि कंपनी यूजर्स के लिए ओरिजिनल क्वालिटी में पिक्चर सेंड करने की फीचर पर काम कर रही है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूजर के पास स्टैंडर्ड कंप्रेशन मेथड का विकल्प मौजूद होगा। यह विकल्प ऐसे यूजर के लिए होगा जो डिवाइस में स्टोरेज को लेकर भी फिक्रमंद रहते हैं। बता दें कि स्टैंडर्ड कंप्रेशन मेथड यूजर को डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में मिलेगा। इस दिन आएगा सनी देओल के गदर 2 फिल्म का ट्रेलर। बिग बॉस 16 के फिनाले में सनी देओल और अमीषा पटेल अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 के प्रमोशन को लेकर नजर आए थे। फैंस के बीच तारा सिंह और सकीना को देखने के लिए बड़े ही उत्साह का माहौल था। इंटरनेट पर अब्दू रोजी का तारा सिंह वाला लुक भी वायरल हो रहा था। बता दें कि एक्टर के चाहने वालों का दिन बन जाएगा क्योंकि इस बीच फिल्म से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। दरअसल फिल्म गदर 1 प्रेम कथा का सीक्वल गदर 2 को लेकर निर्देशक अनिल शर्मा पूरे 22 साल बाद आ रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अभी पोस्ट प्रोडक्शन वाला फिल्म का काम चल रहा। खबरों के अनुसार जी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा जब इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा हो जाएगा। डीएआई ने लॉन्च किया एआई आधारित चैटबॉट आधार मित्र। आधार जारी करने वाले नोडल एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा एआई आधारित चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया गया है जिसके बाद अब लोग बड़ी ही आसानी से पहले के मुकाबले अपने आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी ले पाएंगे। बता दें कि इसके माध्यम से आप आधार पंजीकरण अपडेट स्टेटस पीवीसी आधार को ट्रैक करना नजदीकी आधार सेंटर का पता लगाने के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी यूआईडीएआई के द्वारा
ट्वीट करके दी गई है। इसमें लिखा गया है कि UIDAI का नया AI/ML आधारित चैट सपोर्ट अब बेहतर रेजिडेंट इंटरेक्शन के लिए उपलब्ध है। अब निवासी आधार PVC कार्ड की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और साथ ही शिकायतों का पंजीकरण और ट्रैक कर सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पुष्पेंद्र राय, योगेंद्र रजक, विजय कुमार मंडल, नन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, बसंत चौधरी, शंकर मुखिया, अतीक खान, गुंजा कुमारी, कृष्ण कुमार यादव, अजीमा फिरदौस, चंद्रादीप, राजकुमार प्रसाद, राम नरेश यादव, स्वेता रॉय, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।